अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम साउंड वेव्स यूनिट नंबर 10 की रिवीजन कर रहे थे, जिसमें दो टॉपिक ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम रिवाइज कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक वेवलेंथ, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को रिवाइज करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इन वेव्स के साथ रिलेट होते हैं, उनको उन बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हैं। सबसे जो फर्स्ट पे है वो वेवलेंथ है, कि वेवलेंथ क्या होता है। अब वेवलेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। एडजेसेंट होते हैं बिल्कुल साथ साथ जो होते हैं, एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग, अब ये था ट्रांसफर वेव्स के लिए। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए आते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ का वर्ड यूज़ नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और एयर फैक्शन यूज़ होते हैं। तो हम इसमें ऐसे इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसा डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन और एयर फैक्शन, दो कंप्रेशन एडजेसेंट कंप्रेशन और एयर फैक्शन के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए है, और वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। वेवलेंथ हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। इस डायग्राम में आपको एक वेवलेंथ शो किया हुआ है एरो के साथ, ये क्रस्ट एडजेसेंट क्रस्ट के बिटवीन एरो लगा के आपको वेवलेंथ शो करवाया हुआ कि वेवलेंथ क्या है। इसी तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए है, टू कंप्रेशंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बुलंदी के सेंस में यह आता है। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस तक पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है मैक्सिमम पोजीशन तक, उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये जो डॉटेड लाइन आपको इस डायग्राम में शो की हुई है, ये मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन से उसकी जो मैक्सिमम हाइट है ऊपर की तरफ, और इसी तरह से मैक्सिमम हाइट जो है वो नीचे की तरफ, वो क्या है, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। हम ये इसको हाइट, क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ भी कह सकते हैं। मेजर्ड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स। वेवलेंथ भी मीटर में मेजर किया जाता है और एम्पलीट्यूड भी मीटर में ही मेजर किया जाता है, इनका यूनिट है ये। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चीनी ख़रीदने के लिए शॉप पे जा रहे हैं, तो हम उसको जाके कहेंगे कि हमें 1 kg या 2 kg शुगर दे दे, 2 kg चीनी दे दे। जो जो केजी हम यूज़ करते हैं, केजी क्या होता है, वो यूनिट होता है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। इसी तरह से एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो भी मीटर है। फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट टॉपिक। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 second इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 second के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जब हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करवाते हैं तो 1 second के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 1 second के अंदर 2 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, 3 प्रोड्यूस हो रही हैं या 4 प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट है वो हर्ट्स है, Hz। व्हेन 1 wave पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 second द फ्रीक्वेंसी इज 1 wave पर सेकेंड और 1 hertz। अब यहाँ पर 2 diagrams हैं, 2 waves शो की हुई हैं। अच्छा, ये ऊपर जो फार्मूला एक पिंक कलर में लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, क्या नंबर ऑफ वेव्स और डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड। टाइम जो होता है वो हमेशा सेकंड में आता है। यहाँ पे 2 waves हैं, एक रेड कलर की वेव शो की हुई है और एक पर्पल कलर की वेव शो की है। अब जो रेड कलर की वेव है उसमें अगर हम देखें, 1 second में 1 wave, 1 vibration प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम पर्पल वाली डायग्राम को देखें तो उसमें 1 second में 3 जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है। तो जो रेड वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 hertz है, और जो पर्पल वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 3 waves या 3 hertz हम उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होता है, ये एक हम डेली बेसिस पे हम देखते हैं, डेली बेसिस पे तो नहीं, हम कह सकते हैं कि जब बारिश वगैरह होती है तो हम लाइट को देखते हैं, लाइट चमकती है, बादल गरजते हैं उसको देखते हैं, तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इमेजिन वॉचिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ अ क्लाउड।
फर्स्ट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटिंग, जब बादल गरजती है, बारिश का मौसम होता है, बादल गरजते होते हैं और लाइट चमक रही होती है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइट की रोशनी देखते हैं, बाद में लाइट का उसको क्या कहते हैं, फ्लैश, लाइटनिंग की फ्लैशिंग को हम पहले देखते हैं, उसके बाद हमें बादलों का गरजना आवाज़ हमें बाद में सुनाई दे रही होती है, तो अ फ्यू सेकेंड लेटर वी हियर थंडर। दिस हैपन्स बिकॉज साउंड एंड लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड। ये किस वजह से होता है, क्योंकि साउंड और लाइट जो है वो डिफरेंट स्पीड से हैपन होती हैं, डिफरेंट स्पीड से वाकिया होती हैं। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। डिफरेंट वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स, द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये स्पीड की डेफिनेशन है कि एक ऐसा डिस्टेंस जो एक वेव यूनिट टाइम में कवर करती है उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, ये बॉक्स में आप डिफरेंट मीडियम की स्पीड दिखाई हुई है। अब एयर, वाटर, ब्रिक, वुड और स्टील का ये मीडियम है। एयर के अंदर जो गैस है वो 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाइब्रेट करती है, मूव करती है। वाटर में 1500 है और ब्रिक जो है एक सॉलिड है तो इसमें 3600 है। वुड जो है वो भी सॉलिड है, इसमें 3800 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। स्टील मीडियम में 6000 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। ये जो है आपको MCQs में आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको ध्यान से याद करना है, लर्न करना है। ये आज का लेक्चर था, ध्यान से सुने और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करें, लर्न करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।